हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मेरा नाम है सृष्टि। आज मैं आपके साथ हिना एप्लीकेशन शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले हम बालों के आगे की तरफ वैसलीन लगा लेंगे ताकि मेहंदी का स्टेन वहाँ बिल्कुल भी ना रहे। हिना लगाने से पहले आप बालों को अच्छे से सुलझा लें और फिर आगे की तरफ से उन्हें दो भागों में बांट लें। आगे के बाल हम सबसे एंड में हिना में ऐड करेंगे और उससे पहले हम पीछे के बालों से बन बनाकर स्टेप बाय स्टेप हिना एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप हिना एप्लीकेशन देखिए, इंजॉय कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबाइएगा मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले सेंटर से स्टार्ट किया है। मैं छोटा सा यहाँ बन लगा बना दूंगी और चारों तरफ इस तरह हिना लगा देंगे। इसी तरह हम छोटी छोटी लेयर लेके इसके चारों तरफ हिना लगा के आगे की तरफ से पीछे की तरफ से लगाते हुए लपेटते रहेंगे और हमारी हिना एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू देखते रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आगे के प्रोसेस भी आपको मिलते रहें। एंड में मैंने इसमें पॉलीथीन का यूज़ किया है। हमें इस हिना को लगभग 2 से 3 घंटे के लिए ही अपने बालों में लगाए रखना है। ज़्यादा देर तक हम हिना को अपने बालों में नहीं लगा रहने देंगे क्योंकि ज़्यादा देर तक लगे रहने से ये बालों में जम जाएगी और हमें हेयर वॉश करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा टूटेंगे। तो इसलिए मैंने इसमें पॉलीथीन का इस्तेमाल किया ताकि मेहंदी गीले रहे और बाल बिल्कुल धोने में हमें प्रॉब्लम ना आए और ईजीली हम इसका स्टेन भी ले सकें। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे के लिए हिना को अपने बालों में लगे रहने देना है। उसके बाद हम सादा पानी से बालों को धो लेंगे और धोने के बाद बालों को सुखा लेंगे। सुखाने के बाद हम इसमें अच्छे से ऑयलिंग करेंगे, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हो। बट अगर आप सरसों का तेल यूज़ करेंगे तो वो हमारे बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है और मेहंदी को स्टेन ज़्यादा देने के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो इसलिए सरसों के तेल से आप अच्छे से अपने बालों में मालिश कर लें और उसके दूसरे दिन ही आप शैम्पू कंडीशनर जो भी आप करते हैं, जो भी आपका प्रोसेस है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इससे आपको हिना का बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा कंडीशनिंग हो जाएंगे क्योंकि हमने इसमें एग यूज़ किया है। आपको पता है मैं लास्ट वीडियो वाला ही यहाँ पर मैं हिना पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस पेस्ट को अपने बालों पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, आपको इससे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। और आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इसी तरह की न्यू वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। और बेल बटन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।